देव टाइम्स, कहे सच्ची बात हमेशा सच के साथ। देखिए किस तरह अपमानजनक स्थिति में पड़ा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज यह तिरंगा। यह दृश्य उल्लासनगर 5 नेताजी परिसर में स्वामी शांति प्रकाश गार्डन का है, जहां पर देश के गौरव का प्रतीक मानने वाले तिरंगे को यहां जमीन पर रख दिया गया है। ज्ञात हो भारत का राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हम सभी को देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। इस तिरंगे को देखते ही राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। ये वो तिरंगा है जो ऊंचाइयों पर लहराकर देश की सुरक्षा का ऐलान करता है और उसकी आन मान और शान को बरकरार रखने के लिए सरहद पर वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस झंडे का हमारे देश में बहुत सम्मान किया जाता है और हर जगह राष्ट्रगान के बाद इस झंडे को नमन किया जाता है। 15 अगस्त 2022 में देश भर में हर घर तिरंगा का अभियान शुरू था। हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका में भी यह अभियान चालू हुआ और इस अभियान के तहत हर घर हर दुकान पे झंडा लहरा रहा था जो महानगर पालिका की तरफ से बांटे गए थे और स्वामी शांति प्रकाश गार्डन में भी इसी तरह के तिरंगे की होर्डिंग लगाई गई थी और नेताजी गार्डन में झंडा वंदन का भी कार्यक्रम रखा गया था। लोगों ने काफ़ी आनंद उठाया और देश की आज़ादी की गौरव गाथा गाई गई और उस दिन लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जाग उठी। लेकिन 15 अगस्त के बाद का अब दृश्य ही अलग है। ऊंचाइयों पर लहराने वाला यह झंडा अब जमीन पर रख दिया गया है और कुछ ऐसे हालात में है जो यहाँ पे गार्डन के पंछियों का विसर्जित किया हुआ मल मूत्र इस तिरंगे पे गिर रहा है, यानी कि पूरी तरह से इस तिरंगे की हालत यहाँ पर इस गार्डन में दयनीय बताई जा रही है। और जिन्होंने इस तिरंगे को आकर सैल्यूट किया था उनकी भावना को बहुत ठेस पहुंच रही है। देश का गौरव मानने वाले इस तिरंगे का इस तरह अपमानजनक स्थिति में यहां पर पाया जाना हमारे शहर के दुर्भाग्य को दर्शाता है। क्या इस तिरंगे के प्रति सम्मान सिर्फ 15 अगस्त के दिन ही था जिस दिन इसकी वंदना कर इसे सैल्यूट किया गया था? पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये झंडा, ये तिरंगा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा सम्मानित है और हमेशा सम्मानित रहेगा। और इसलिए मेरा उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रशासक से यह निवेदन है कि जहाँ कहीं भी शहर में तिरंगों की हालत इस तरह हो, उन तिरंगों को साफ सुथरी और सुरक्षित जगह पहुँचाया जाए और नेताजी गार्डन के इस तिरंगे के होर्डिंग को फोल्ड करके कहीं सुरक्षित जगह पे रख देना चाहिए। वंदे मातरम, जय भारत।